ये शिवलिंग जो है ये स्फटिक का है, नीलम जो होता है उससे थोड़ा कम रहता है स्फटिक। सुबह आप देखोगे आपको तो कभी तो इसमें बिल्कुल पारदर्शी नज़र आएगा आपको, इधर से उधर आप बिल्कुल देख सकते हो अपना हाथ लगा के या कोई भी वस्तु इधर लगाओगे दूसरी साइड में तो आपको नज़र आएगी। कभी आप देखोगे तो बिल्कुल शीशे भर का इसमें अपना चेहरा ही आपको नज़र आएगा बिल्कुल, तभी इसका रंग नीले उस पर हो जाता है। दिन में 3 बार अंतर आता है इसमें। ये अमृतसर में दुर्गाणा मंदिर के पास ही स्थित है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शिव गंगा मंदिर के नाम से इसको कहते हैं। पहले कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा की जो छड़ी थी, छड़ी मुबारक यहाँ से जाती थी करीबन 400 साल पहले। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम ध्याये नित्यम महेशम रजति गिरिनिवम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगुवराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तास्तुतममरघटैर्व्याघ्रकीर्तिं वशानां विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। ये अमृतसर में दुर्गाणा मंदिर के पास ही स्थित है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शिव गंगा मंदिर के नाम से इसको कहते हैं। और करीबन 550 साल से भी प्राचीन ये मंदिर है। ये स्फटिक का शिवलिंग है और बहुत ही प्राचीन है। पहले कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा की जो छड़ी थी, छड़ी मुबारक यहाँ से जाती थी करीबन 400 साल पहले। उसके बाद में यहाँ के बाद में फिर जम्मू से जाने लगी है और अब श्रीनगर से जाती है। और यहाँ से पहले ऐसे बताते हैं कि बनारस से जाती थी। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शिव गंगा मंदिर के नाम से है, ये अमृतसर में प्रसिद्ध मंदिर है। और विशेष मान्यता है इसकी कि ये बहुत पहले से ही यहाँ पर रोजाना पंचामृत से स्नान होता है। कई बार तो ऐसा होता है जो भगत रोजीना आ रहा है और वो नहीं आ पाता है तो दूसरा ही कोई नया भगत आ जाता है। और बिलपत्री भी रोजाना चढ़ती है यहाँ पर, जब बेल के वृक्ष पर भी पत्ते नहीं मिलते हैं तो कोई ना कोई भगत अलग से ही यहाँ पर बिलपत्री ले आता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और दिन में रंग भी इसमें चेंज होते हैं सूर्य के अनुसार। इसमें सुबह जब देखोगे दर्शन करोगे आप तो आपको अलग ही महसूस होगा और दोपहर को उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है, शाम को और उसमें अंतर आता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की विशेषता ये है कि जो भी कामना करता है, जिस कामना से यहाँ पे पूजा की जाती है, वो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। देखिए शिवलिंग ये जो है ये स्फटिक का है, नीलम जो होता है उससे थोड़ा कम रहता है स्फटिक। ये बर्फ़ होती है पहाड़ों पर, जब हजारों साल तक बर्फ़ होती है तो उसी बर्फ़ से ये शिवलिंग बनता है, नीलम भी उसी बर्फ़ से बनता है। ये स्फटिक है, मणि इसको कहते हैं, स्फटिक मणि है ये। ये जो रंग बदलता है शिवलिंग के हिसाब से कैसा इसका पहर पहरों में बदलता है, या इसके बारे में कैसे? देखिए सुबह आप देखोगे आपको तो कभी तो इसमें बिल्कुल पारदर्शी नज़र आएगा आपको, इधर से उधर आप बिल्कुल देख सकते हो अपना हाथ लगा के या कोई भी वस्तु इधर लगाओगे दूसरी साइड में तो आपको नज़र आएगी। कभी आप देखोगे तो बिल्कुल शीशे भर का इसमें अपना चेहरा ही आपको नज़र आएगा बिल्कुल, जैसे शीशे में चेहरा नज़र आता है उस प्रकार। और कभी इसका रंग नीले उस पर हो जाता है, श्याम वर्ण में थोड़ा नीले रंग में होता है। दिन में 3 बार अंतर आता है इसमें। रुद्राभिषेक तो अब तो यहाँ पे काफ़ी देर से रोजाना होता है और सावन के महीने में तो यहाँ पे कई कई बार रुद्राभिषेक हो जाते हैं। रोजाना जो भक्त हैं वो डेली रुद्राभिषेक करवाते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह से होता है यहाँ पे। अभी अगले संडे को 24 घंटे का अभिषेक होगा, उसमें 24 घंटे तक रुद्राभिषेक चलता रहेगा। सावन के महीने में लोग भोले बाबा को पसंद करते हैं, तो क्या उनका नाम जपें जिनसे भोले बाबा को?
क्या भाव है? देखिए शंकर जी तो सावन का महीना मुख्य है इसमें, जैसे सभी सब देवताओं के अलग अलग महीने होते हैं, कार्तिक का महीना है विष्णु भगवान का, ऐसे सावन का महीना विशेष है, शंकर जी को प्रिय है। और शंकर जी को प्रिय है इसलिए वो तो वैसे तो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जल मात्र चढ़ाने से ही, एक गड़ भी आप जल चढ़ा दीजिए शंकर जी उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी लोग यहाँ पे दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत से स्नान करते हैं, गंगा जल हरिद्वार से लाते हैं गंगा जल, और वो गंगा जल चढ़ाते हैं, रोजाना अभिषेक करते हैं, बिलपत्री यहाँ पे चढ़ाते हैं, जिसकी मनोकामना होती है वो अपनी कामना के अनुसार अभिषेक करवाते हैं, और बिलपत्री तो यहाँ पर रोजाना चढ़ती है। ये 550 साल के करीबन यहाँ का इतिहास पता है हमको, बाकी का प्रभु ही जाने, क्योंकि प्राचीन मंदिर बहुत है। ये 550 साल के करीबन ये मंदिर है, और 400 साल पहले यहाँ से अमरनाथ यात्रा की छड़ी जाती थी।